हे गाइस, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। अभी हम जा रहे हैं बाहर का मौसम देखते हुए रोमांटिक डेट पे। और कहाँ जा रहे हैं ये मैं बताऊंगी आपको। मैं तैयार हूँ, हस्बैंड ने थोड़ा टाइम लगाया है लेकिन फिलहाल वो तैयार है और हम जाने के लिए तैयार हैं। तो चलिए चलते हैं इतने सुहाने मौसम में एक रोमांटिक से वैक्सीन लगवाने। जी, हम जा रहे हैं वैक्सीन लगवाने। आज है वैक्सीन का सेकेंड डोज। फर्स्ट डोज में बहुत ज्यादा बुखार चढ़ा था मुझे भी और हस्बैंड को दोनों। अभी देखते हैं कि क्या होगा। और पहले हमने क्या किया था कि हम गांव में थे, ससुराल में थे, तो वहां पे एडजस्ट हो गया था। बुखार दोनों को चढ़ा था। पहले दिन इनको लग गई थी, नेक्स्ट डे मुझे लग गई थी, तो बुखार एडजस्ट हो गया था वहां पे। अब यहाँ पर दोनों को अगर एक साथ बुखार चढ़ गया ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ऐसा बोल रहे हैं कि जिसको फर्स्ट वैक्सीन में बुखार चढ़ा है, प्रॉब्लम आई है, उसको सेकेंड वैक्सीन में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो देखेंगे अभी क्या होगा, बताऊंगी मैं। लेकिन चलते हैं उससे पहले कुछ लेना तो नहीं था ना? हमने टांग लिया अपनी बेल्ट, क्योंकि आजकल यहाँ पर सिक्योरिटी का काफी ज्यादा चक्कर चल रहा है। मेरा मतलब पैसे ले लेते हैं वो। पैसे क्या बोलते हैं ऐसे पैसे काटने को? चालान, चालान कट जाता है। मैंने लगा लिया सीट बेल्ट, पतिदेव ने नहीं लगाई है। और अगर इनका चालान कटा तो फिर हमारा झगड़ा होगा, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले बोलते हैं जल्दी से बेल्ट लगा ले, खुद लगाए नहीं है, देख लो। वैसे सेकंड वैक्सीन जो है उसको बुक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही आप जा रहे हैं तो लगा रहे हैं। लेकिन मैंने कल रात बुक करवा ली थी, 31 वैक्सीन बची हुई थी वहां पर, रात मैंने बुक करवा ली थी दोनों की। और क्योंकि जो कोड था ना, जो पहले कोड मिला था सीक्रेट कोड, वो मुझसे गुम हो गया था, मतलब डिलीट हो गया था वो मैसेज। तो मैंने फिर इसलिए दोबारा से वो बुक करवाई सेकंड स्लॉट वाली। और तो फिर मुझे वहां पर जो कोड है उन्होंने दोबारा भेजा। वो कोड बहुत ज्यादा जरूरी है वैक्सीन लगवाने के लिए, और साथ में आपका आधार कार्ड भी। आधार कार्ड हमने दोनों ने मोबाइल में सेव किया हुआ है तो इसलिए नहीं लिया, वो चल जाएगा वहां पर। तो चलिए देखते हैं, जाके कोई प्रॉब्लम ना हो वो मान लो उस आधार कार्ड को, और देखेंगे वैक्सीन बुक करवा दी है हमें, वहां पे कोई मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। ये है क्या? वैक्सीन लग चुकी है, सुहाने मौसम में वैक्सीन लगी है। इस बार मुझे लगाते हुए कोई दर्द नहीं हुआ। हाँ, बस मेरे साथ वाले जो हैं जनाब, इन्होंने वही जरूर किया था। दर्द होता क्या? कभी कभी हो जाता है जब सुई लगती है ना एकदम, बट मैंने जो देखा है ना वो एकदम घुसा दी अंदर पूरी सुई।
तो वैक्सीन लग गई है, भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ एक दो जने थे हमारे से पहले और वो भी सेकंड डोज के लिए ही आए हुए थे। तो अभी पता नहीं लोगों ने शायद लगवा ली है या फिर से लापरवाही कर रहे हैं जिस तरह की पहली बार हुई थी। लेकिन सर जैसे बोल रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, उसमें फिर हालत खराब हो जाएगी अगर अब तक वैक्सीन नहीं लगी है। तो अगर आपने भी वैक्सीन नहीं लगवाई है, अभी काफी ज्यादा आपको जो है भीड़ बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, अच्छा माहौल मिलेगा, आप जाकर लगवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बुखार होगा और एक दो दिन तो वैसे भी बुखार हो जाता है, वो भी सबको नहीं हो रहा है, किसी किसी को हो रहा है। तो जाके जरूर लगवाइएगा वैक्सीन और मिलते हैं घर जाने के बाद में आपसे। सॉरी ऐसे एकदम से ब्लॉग इस तरीके से लास्ट हो रहा है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैं सोच रही थी कि इस ब्लॉग को आज सुबह शुरू किया था वैक्सीन के लिए और कल मैं रिजल्ट बताऊँगा कि क्या रहा वैक्सीन का। अभी आप मेरी आँख से देख सकते हो लाल हो रही है क्योंकि बुखार सा फील हो रहा है। बुखार नहीं हो रहा है, नाप रही हूँ तो बुखार नहीं आ रहा, बट बुखार फील हो रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है। तो अभी कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं है और तब से वैक्सीन लगी है बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नींद आ रही है और मतलब पेट में बहुत पेन है। तो पता ही नहीं क्यों हो रहा है, लेकिन इस बार थोड़ा अजीब सा हो रहा है। पिछली बार सुबह के टाइम बुखार चढ़ा था नेक्स्ट डे, कल को देखूंगी क्या रहा, बताऊंगी जरूर। लेकिन अभी वैक्सीन के बारे में बाद में करेंगे, लेकिन बात करते हैं लाइफ ऑफ प्री, क्योंकि इन लोगों को बहुत शौक है। इनके बारे में जब भी कोई वीडियो बनती है ये लोग स्ट्राइक दे देती है, तो इनका नाम लेना बेकार है क्योंकि मैं नहीं चाहती चैनल पर स्ट्राइक पड़े, बट पड़ भी जाए तो क्या कर सकते हैं। चलो बात करते हैं किसके बारे में कर रही हूँ मैं बात, मैंने बता दिया आपको। इनके बारे में बहुत सारे कांड ये कर रही है आजकल, यूट्यूब पर ड्रामा मचाया हुआ है पूरी फैमिली ने, हस्बैंड वाइफ ने मिलके, उसकी सच्चाई भी जल्दी सामने लेके आऊंगी। लेकिन अभी बात करते हैं, इन्होंने कल जन्माष्टमी के दिन, आप जानते हैं कि जन्माष्टमी हमारे मतलब हिंदुओं में कितना माना जाता है और कितना उसको कितने अच्छे तरीके से लोग मनाते हैं। हिंदुओं में मूर्ति पूजा एक मतलब उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मूर्ति पूजा को नहीं मानते, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि मूर्ति के अंदर कैसे कोई भगवान हो सकता है, लेकिन फिर भी ये एक आस्था की निशानी होती है हिंदुओं के लिए। तो अगर किसी धर्म के लिए कोई चीज़ आस्था है तो उस पर पॉइंट आउट करना ही क्यों। आप अपनी आस्था को, अगर आपको वो चीज़ नहीं माननी है तो आप ना माने, लेकिन सोशल मीडिया पर आप जो गाते हो वो भी जिनके इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं वो चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है दूसरी चीज़ों पे। बताती हूँ मैं इन्होंने क्या कांड किया। जन्माष्टमी पे इन्होंने एक कमेंट किया जिसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि ये मूर्ति पूजा क्यों, मतलब मैं मूर्ति पूजा को नहीं मानती, मैं ये नहीं करती वो नहीं करती, तो इस तरीके के कमेंट इन्होंने किया हुआ था। जब लोगों ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा गाली दी तो इन्होंने कमेंट डिलीट कर दिया, बट उसके लिए कोई माफ़ी नहीं मांगी। फिर इन्होंने अपने बच्चे के साथ में एक जो है वीडियो शेयर की जिसमें उसको कपड़े कान्हा जी के पहनाकर ये मंदिर गई। अगर आप मूर्ति पूजा नहीं मानती है तो आप मंदिर में क्या वहाँ सिर्फ घंटियाँ बजाने के लिए गई थी? आप अपने आप को समझती क्या है कि जो आप बोलेंगे वो सही होगा? इस चीज पे कोई पॉइंट आउट नहीं करेगा। ये बंदी इतनी ज्यादा घमंडी है ना कि इसने एक बार इतनी गालियां सुनने के बाद भी, इतने लोगों के आस्था को ठेस पहुंचाने के बाद भी इन्होंने एक बार भी माफी मांगना जरूरी नहीं समझा। खैर, जो अपने परिवार को तोड़ सकती है अपनी गलती पे भी माफी नहीं मांग के अपने परिवार को छोड़ना, अपने हस्बैंड से दूर रहना, सास ससुर से दूर रहना ज्यादा पसंद करेगी, उससे और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। हालांकि एक सच्चाई बताती हूँ, जो इनकी फैमिली में चल रहा है यानी अंकुश और इनके बीच में, वो भी जल्दी बताऊंगी मैं पूरी बात क्या है, इसके बाद शायद मैं शेयर कर दूं, बट मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है बोलने में भी। लेकिन दरअसल क्या है कि उसमें गलती दोनों की है, एक की गलती नहीं है, दोनों की है। लेकिन बात यह है कि घमंड इतना है कि ये झुकना नहीं चाहती, अपने आप को इंडिपेंडेंट वूमेन बोलती है। इनको शायद नहीं पता कि इंडिपेंडेंट वूमेन अगर इनकी माँ स्टार्टिंग में ही बन जाती तो ये ना होती, और अगर इनके भाई के यहाँ पर जो आई वो इंडिपेंडेंट हो गई
तो फिर इनके भाई का और इनकी फैमिली का क्या होगा। तो ऐसी इंडिपेंडेंस किसी भी औरत को शायद नहीं चाहिए होगी जो कि अपनी फैमिली को छोड़कर इधर उधर घूमे। खैर चलो, इसके बारे में बात करेंगे बाद में। तो इन मैडम ने इतने सारे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचा दिया। मुझे ये बात बहुत ज्यादा चुभी और बहुत ज्यादा लगी। तो एक बार बताओ, इन चीजों पे इतने हंगामे हो जाते हैं किसी के लिए ऐसा बोलना। तुम नहीं करती बयान मत करो, तुम क्यों ड्रामे क्रिएट कर रही हो? और अगर तुम नहीं करती तो तुम क्यों मंदिर में जाकर ड्रामा दिखा रही हो? हालांकि इनका बेबी जो है वो बहुत क्यूट लग रहा था, बट भैया इतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। बख्श दो, कुछ तो शर्म करो। किसी को भी किसी की धर्म को आस्था को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। आप बोलते हैं मूर्ति पूजा नहीं करती हूँ मैं, ये नहीं करती। आप जानते हैं कि इन दोनों में मूर्ति पूजा क्यों होती है? क्या आपको इतना नहीं पता? क्या आपने कभी इतना जानने की कोशिश नहीं की? हिमाचल में तो बहुत अच्छे अच्छे पंडित रहते हैं, उनसे ही सीख लो। नहीं पढ़ा जाता, किताबों में सीख लो। अरे जो ये लड़ाई झगड़े करते हो, इससे अच्छा तो थोड़ा पढ़ लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हद है यार, हद है। इन मैडम से इससे ज्यादा और उम्मीद भी नहीं कह सकती। आप क्या चाहते हैं कि इनको, आपको नहीं लगता कि इनको इस एक्ट के लिए जो इन्होंने किया है माफी मांगनी चाहिए? मैं हमेशा ऐसे मुद्दे उठाती हूँ जो मुझे लगता है कि वो गलत बोल रही हैं, वो भी जिनको इतने लोग फॉलोवर्स कर रहे, इतने फॉलो कर रहे हैं, वो अगर इस तरीके की बातें बोले। यार अगर किसी के कम फॉलोवर्स हो या फिर किसी को कोई रास्ते में खड़ा होकर कोई बोल दे मैं मूर्ति पूजा नहीं करता, नहीं फर्क पड़ेगा। अपने घर में बैठ के बोल दे मैं नहीं करता यार मूर्ति पूजा, तुम कर लो, भगवान की पूजा नहीं करता मैं, इस चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जिनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स हैं वो अगर ये बात बोले, कोई हीरो अगर ये बात बोले तो उस चीज पे हंगामा मच जाता है। रीजन मैं बताती हूँ क्यों। आमिर खान ने एक बोला कि मुझे इंडिया सेफ नहीं लगता, हंगामा मच गया क्योंकि वो आमिर खान है, उसको इतने फॉलो करते हैं। आप अपने आप को आमिर खान वाले से कंपेयर मत करना। आप सिर्फ एक यूट्यूबर है जो अपनी बहन के उस पे जो है यूट्यूबर बनी है, और इतने ड्रामे कर करके जो आप ये फैमिली जो पैक आपको मिला है इसका फायदा उठा रही है, सिर्फ एग्जाम्पल है। जो आप कहते हो उस चीज का अगर अगर असर किसी चीज पर पड़ रहा है, वो किसी के आस्था को इतनी बुरी तरीके से ठेस पहुंचा रहे हैं, खासकर किसी धर्म की, तो आपका माफी मांगना बनता है और आपको माफी जरूर मांगनी चाहिए। यही था अभी की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।